22 जनवरी का इंतजार हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। जात पात का कोई बंधन नहीं है, अमीरी गरीबी की कोई खाई नहीं है, और जो राजनीतिक दीवारें हैं वो भी जगह जगह टूटती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग आज घर घर पहुंचे, दीपक और लड्डू बांटे। दरअसल कल प्रभु राम गर्भगृह में विराजमान हुए थे, इसी खुशी में राजा बडिंग ने दीपक और लड्डू का वितरण किया। मैं समझता कि बहुत पवित्र त्यौहार है साढ़े वास्ते, और श्री राम जी जिहड़े भगवान है वो साढ़े सारयां दे गुरु ने। असी कामना करते हैं कि राम भगवान जी साढ़े नगर ते, साढ़े इस देश ते, इस धरती मां ते उन्हां दा आशीर्वाद बनिया रहे। इससे पहले यूपी और हरियाणा कांग्रेस के भी बड़े नेता अयोध्या जा चुके हैं, पवित्र सरयू नदी में स्नान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अयोध्या के मामले पर बिल्कुल खामोश है। सबसे पहले चिट्ठी जारी करके सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या ना जाने का ऐलान किया, और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बार बार राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी का सियासी प्रोजेक्ट बताते रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। जहां कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए उसको कहते हैं राम राज्य। राम की नाम सामने रखकर चुनावी रोटी सेकने वाले पार्टियां ये देश में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे। मोदी खुद कह दे कि भाई हमारा देश में हिंदू के अलावा और किसी का कोई जगह नहीं है, कोई नहीं रहेगा, कह दे। हमारे हर घर में मंदिर होता है यार, हर घर में मंदिर होता है, मेरे घर में भी मंदिर है, मेरे माता पिता के घर में मंदिर हुआ करता था, अभी तो गुजर गए हैं। तो ये क्या है, ये सब राजनीतिकरण है। देखिए, ऐसे बयानों से साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता राम मंदिर के मुद्दे पर अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, जबकि राज्य की राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेताओं की सोच अलग है। यानी अयोध्या के मुद्दे पर यह मामला कांग्रेस बनाम कांग्रेस का हो गया है। इसका एक और सबूत आपके सामने रखता हूं। आज गुजरात से कांग्रेस को परेशान करने वाली भी एक खबर आई। विजापुर सीट से कांग्रेस के विधायक सीजे चावट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीजे चावट 25 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। पार्टी छोड़ने का कारण उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के राजनीतिक स्टैंड को बताया। चावट ने कहा, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस का जो रवैया है वो परेशान करने वाला है। मैंने कांग्रेस पार्टी में से इस्तीफा दे दिया है। वजह ये है कि जब पूरे देश के लोग आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है, तब ये लहर में भागीदार होने के वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने जो रवैया आजमाया है उनसे मैं भी नाराज हूँ। देखिए, राम मंदिर पर कांग्रेस के हाईकमान का जो स्टैंड है उससे पार्टी के ही कई नेता सहमत नहीं है। किसी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो कोई घर घर जाकर मिठाइयां बांट रहा है। पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो 22 जनवरी के बाद मंदिर जाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो 1,00,000 कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या कूच करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। 1,00,000 से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा। 22 जनवरी के कार्यक्रम पर सवाल उठाने वालों के अपने अपने तर्क हैं। कल मोदी सरकार ने ऐलान किया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी संस्थाओं में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। इस पर सियासी झगड़ा भी शुरू हो गया। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी। संवैधानिक अथॉरिटी ने शुक्रवार को होने वाली नमाज के लिए मिलने वाले 30 मिनट के ब्रेक को खत्म कर दिया। तंज कसते हुए कहा कि सबका विकास है लेकिन किसी के लिए तुष्टिकरण नहीं। 22 तारीख के सरकारी हाफ डे पर कई सियासी दलों को तकलीफ हुई।
ओवैसी ने ट्वीट किया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि छुट्टी आधे दिन की क्यों दी गई, छुट्टी तो पूरे दिन की देनी चाहिए थी। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान में सरकार के फैसले का समर्थन कम, सियासी गुस्सा ज्यादा दिखाई दिया। सुनिए और समझिए। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है? लेकिन सर ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? सर हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करें, हाफ डे का क्या मतलब है? वो क्यों नहीं एक महीने की छुट्टी करें? हमारा क्या जाता है, करें। अच्छा हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम करेंगे। तो फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना किस तरह से उखड़े हुए नजर आए। देश में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, ज्यादातर जगह 22 जनवरी के लिए खास योजना बनाई गई है। लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों में छुट्टी भी घोषित की गई है और जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां छुट्टी की मांग की जा रही है। इसी तरह की एक मांग बिहार में भी उठी, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि 22 जनवरी को छुट्टी की कोई जरूरत नहीं, जो अयोध्या जाना चाहते हैं वो छुट्टी लेकर जा सकते हैं। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है और हम लोग को सिर्फ आप लोग के माध्यम से, अखबार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है, लेकिन इसका हम लोग को इनवाइट तो एक तो व्यक्तिगत हम लोग को नहीं मिला है। छुट्टी की आवश्यकता हम लोग को कहाँ दिखाई दे रहा है? जिनको जाना होगा वो तो जाएंगे ही, बिना छुट्टी के भी जा सकते, छुट्टी लेके भी जा सकते हैं। और जहाँ टेलीविज़न पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा तो वो तो लोग कहीं से भी देख सकते हैं, उसके लिए छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। राम नाम की राजनीति देश के लिए नई नहीं है, अयोध्या का मुद्दा भी बहुत पुराना है, इस पर सियासी तकरार भी लंबे समय से हो रही है। लेकिन सच ये है कि अब हालात बदल गए हैं। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को देखकर कई लोगों के भाव भी बदल गए, हाव भाव दोनों बदल गए हैं। यही वजह है कि कई पार्टियां इस मुद्दे पर सोच समझ कर बयान दे रही है। नहीं, पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं। मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं, पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है। कोई साधु मुझे कह दे कि वहां पे 22 तारीख को तो भगवान प्रकट होंगे मगर 23 तारीख को भगवान नहीं होंगे, वहाँ 24 को भगवान नहीं होंगे, तो मैं बोल लूँगा कि भी 22 को जाना चाहिए। 22 को सिर्फ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं इसलिए हम भी जाएं, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे ऐसे राम भक्त है जो भाजपा नहीं है, वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करता। भाजपा धर्म के नाम पे राम नाम को मिसयूज करके वोट पॉलिटिक्स कर रहा है। पूजनीय शंकराचार्य भी उसका खिलाफ बयान दिया, वो लोग बायकट कर रहे हैं। सुकांत मजुमदार क्या वो शंकराचार्य से भी ज्यादा हिंदू हो गया है? विपक्ष को लगता है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे ढलान पर आ जाएगा, लेकिन बीजेपी ऐसा होने देगी ये लगता नहीं है। आने वाले दिनों में चुनावी मंचों से अयोध्या और राम मंदिर को लेकर आवाज जरूर सुनाई देगी। कोई इसे अपनी उपलब्धि बताएगा तो कोई इसे राजनीति से जोड़ेगा। फर्क इतना होगा कि तब श्रद्धा पीछे और सियासत आगे होगी। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अजीब सी उलझन में हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं किस मुद्दे को किस तरह से हैंडल किया जाए। यही वजह है कि अलग अलग नेताओं के रवैये में इस मुद्दे पर जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनवमी का समय सबसे बेहतर रहता और 22 जनवरी को यह सब इस वजह से किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, राम भगवान राम का जन्मदिन आने वाला है, उस दिन कर लेते। हमारा शुरू से यही कहना है ये धर्म का दुरुपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहली बात तो निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपने इसको आयोजन को पूरे तरीके से राजनीतिक बना दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।